जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दिग्गज ब्रोकर के बारे में दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं दोस्तों जो कि 20% से ऊपर है, एंड उन्होंने जितने जो कंपनियां चुनी है दोस्तों वो लगभग 7 से 8 ऐसी कंपनियां हैं जिसका टारगेट उन्होंने 20% से अधिक का चुना है दोस्तों। एंड एक ऐसे कंपनी है दोस्तों जिसमें 121% की तेजी, मतलब वो टारगेट दोस्तों 121% अधिक उन्होंने रखा हुआ है। एंड जिस ब्रोकर के बात कर रहे हैं दोस्तों, उस ब्रोकर का नाम है मैक्वेरी। मैक्वेरी की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने रिलायंस में का भी टारगेट रखा था जो कि डाउन था, करीब 40% के आसपास इन्होंने वो टारगेट रखा था। एंड अगर देखा जाए तो रिलायंस का जो चार्ट पैटर्न दोस्तों एक अभी तक हमको एक दायरे में देखने को मिल रही है, उसके पीछे की रीजन भी आपको पता ही दोस्तों। सो यहाँ पर हम रिलायंस की बात नहीं करेंगे, हम नए अपडेट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपनी पहली कंपनी के ऊपर, एंड देखते हैं कि हमारे जो ब्रोकर से दोस्तों उन्होंने क्या टारगेट इस कंपनी का रखा हुआ है। सो दोस्तों, हमारी जो पहली कंपनी है वो आईटी सेक्टर के आने वाली कंपनी हमको देखने को मिल रही है। इस कंपनी का नाम इन्फोसिस लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर इसका परफॉर्मेंस शुक्रवार का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 1.5% की तेजी हमको देखने को मिली। एंड शेयर प्राइस की बात करें तो 1312 रुपये हमको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। एंड अगर इस कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती आ रही है 1999 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो 11,200% से भी ज़्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इस कंपनी की बात करो तो यह कंपनी एक टैब फ्री कंपनी हमको देखने को मिलती है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमको ये देखने को मिलती है। एंड अगर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 52 वीक हाई है 1392 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 13 जनवरी को इन्होंने लगाया था। एंड उसके बाद आप लो की बात करें तो 509 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मार्च 19 में आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरी परसेंट वो 20.16% आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर चेक करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर की बात करें तो क्वार्टर बेस पे यहाँ पे हमको जो टोटल इनकम है बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड से पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो केवल 13% के आसपास हमारी जो प्रमोटर्स इस कंपनी में होल्डिंग अपनी रखते हुए देखने को मिल रहे हैं, जबकि पब्लिक की बात करें तो 86.67% की होल्डिंग ये रख रहे हैं। एंड डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने 2019 जनवरी की बात करें तो 4 रुपये का रिटर्न, एंड 2019 जून की बात करें तो 10.50 रुपये का रिटर्न है, 2019 अक्टूबर की बात करें तो 8 रुपये का रिटर्न इन्होंने दिया, लेकिन 2020 की बात करें तो 12 रुपये का इन्होंने इंटरिम डिविडेंड एक ही बार यहाँ पे हमको देते हुए देखने को मिला है। उसके अलावा भी इन्होंने दिया है दोस्तों, 29 मई को भी इन्होंने दिया हुआ है, जो कि 9.5 रुपये का हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो ये कंपनी दोस्तों एक साल में कई बार डिविडेंड देने वाली कंपनी हमको देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हमको देती है। सो इसका लाभ वही उठा सकते हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म तक मतलब इसमें इन्वेस्ट किए होंगे। एंड प्लीज़ देखें तो यहाँ पर कोई भी प्लीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर टारगेट की बात करें तो हम आपको टारगेट बता देते हैं। इस कंपनी का जो टारगेट दोस्तों मैक्वेरी ने रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस आपको 1312 रुपये में आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो टारगेट मैक्वेरी ने रखा है वो 1680 रुपये पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 1680 दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो 1680 दोस्तों ये एक दो दिन में ये नहीं पाएगा, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों वो करीब करीब एक साल का वो लेकर के चलते हैं, तो एक साल के अंदर आपको एक कंपनी 1680 रुपये पर तक देखने को मिल सकती है। सो बढ़ते आगे दोस्तों, अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है उसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भी आईटी सेक्टर की आने वाली ही कंपनी हमको देखने को मिल रही है। एंड शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्राइडे को इन लाल निशान में हमको देखने को मिल रहा है, जो कि 0.78% की गिरावट इस कंपनी में हम देख सकते हैं। एंड शेयर प्राइस की बात करें तो 962.80 आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन अगर आप इनका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये भी बहुत ही शानदार कंपनी हमको देखने को मिलती है। एंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि जो इनका चार्ट पैटर्न है वो ऊपर जाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। एंड डेब्ट की बात करें तो बहुत ही कम कर्जा इस कंपनी पर देखने को मिलती है दोस्तों। एंड उसके अलावा मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 2.61 ट्रिलियन का मार्केट कैप ये हमको देखने को मिलती है।
एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, यहाँ पर हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, डिलीवरी परसेंट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 23% की डिलीवरी हमको शुक्रवार को उठाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर से वो 60.33% की होल्डिंग इस कंपनी में रख रहे हैं, जबकि पब्लिक 39.67% की होल्डिंग इस कंपनी में रख रहे हैं। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट दिसंबर में हमको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड डिविडेंड की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी भी डिविडेंड देती है। 2020 में अगर बात करें तो इन्होंने 4 बार डिविडेंड देते हुए हमको देखने को मिला, जो कि 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया एंड 4 रुपया। और 2021 की बात करो तो इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया दोस्तों। प्लीज की बात करें तो कोई भी प्लीज इस कंपनी पर हमको देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। अगर टारगेट की बात करें तो एसएल टेक्नोलॉजी का जो टारगेट है दोस्तों वो 1280 रुपया में क्वेरी ने रखा हुआ है दोस्तों, जो कि आपको एक साल के अंदर ये कंपनी वहां तक पहुंचते हुए देखने को मिलेगी। अभी का बात करें तो 962.80 रुपये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों वो भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। एंड अगर देखेंगे तो 2% से ज्यादा गिरावट शुक्रवार को आपको देखने को मिली, 585.90 का शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड अगर इस कंपनी का भी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर के 2000 दोस्तों अभी जाके इन्होंने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी वो पुराना जो हाई था उसको इन्होंने तोड़ा हुआ है दोस्तों। एंड अगर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी डिलीवरी है वहाँ पे आपको 45% के करीब आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पर आप प्रमोटर्स देखेंगे तो 56.23% की होल्डिंग रख रहे हैं, बाकी 43.7% पब्लिक एंड 0.06% के एम्प्लॉय ट्रस्ट दोस्तों ये रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड 2018 में जनवरी की बात करें तो 2.84 रुपये, 2018 में 2.5 रुपये का, 2018 नवंबर की बात करें तो 2.5 रुपये का, एंड 2019 की बात करें तो यहाँ पे राइट इशू देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड अगस्त में बात करें तो 2 रुपये का, 2020 अगस्त की बात करें तो 2 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी हमको देते हुए देखने को मिले। प्लीज की बात करें तो कोई भी प्लीज इस कंपनी का हमको देखने को नहीं मिला है। एंड अगर टारगेट की बात करें तो इस कंपनी का तो आपको हम टारगेट बता देते कि इस कंपनी का जो टारगेट मैक्यूरी ने रखा दोस्तों 747 यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उस कंपनी का नाम दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड है। एंड आप देखेंगे तो ये फ्राइडे का परफॉर्मेंस 1.089% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है, शेयर प्राइस 15.89 आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर टारगेट की बात करें इस कंपनी का दोस्तों तो हम आपको बता दें कि ये कंपनी आपको 1589 अभी देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो टारगेट मैक्यूरी ने रखा दोस्तों 2005 आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरी परसेंटेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो करीब 30% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो ये बैंकिंग सेक्टर का है दोस्तों, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रमोटर्स की होल्डिंग कम रहती है, क्योंकि यहाँ रूल के मुताबिक ये लोग अपना कम करते जाते हैं दोस्तों। एंड प्रमोटर्स 26% की होल्डिंग रखते हैं, जबकि पब्लिक की बात करें तो 74% का होल्डिंग इस कंपनी में रख रहे हैं दोस्तों। तो आपको टारगेट मैंने पहले ही बता दिया है। एंड आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उस कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो फ्राइडे को आपको लाल निशान में देखने को मिला है, एंड शेयर प्राइस 418.20 रुपये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड अगर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो डिलीवरी है वो करीब 36% से ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड अगर इस कंपनी के टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इनका जो टारगेट है दोस्तों मैक्यूरी ने रखा है वो 510 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों। एंड हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड है दोस्तों। एंड इसका भी देखेंगे तो आप फ्राइडे को लाल निशान में देखने को मिला है, शेयर प्राइस 4,796.95 रुपये में आपको देखने को मिला है। सो मैक्यूरी ने इसका जो टारगेट रखा है दोस्तों वो रखा है 6,000 इस कंपनी का रखा हुआ है दोस्तों, जो कि आपको एक साल के अंदर ये कंपनी वहाँ तक पहुँचते हुए देखने को मिल सक।
एंड इस कंपनी की 52 एक हाई की बात करते हैं, आप देख सकते हो कि 52 एक हाई 5512 आपको देखने को मिला, जबकि लो की बात करें तो 2495 आपको देखने को मिला। एंड डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, आप देख सकते हो जो डिलीवरी परसेंटेज है वो करीब 17% का आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है दोस्तों बहुत ही शानदार हमको देखने को मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पार्टनर की बात करते हैं, आप देख सकते हैं जो प्रमोटर से 26.73% की होल्डिंग इस कंपनी में रख रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो 73.05% की होल्डिंग पब्लिक इस कंपनी में रखते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड अगर डिविडेंड की बात करते हैं, आप देख सकते हैं 2016 में 20 रुपये का डिविडेंड, 2017 में 20, 2018 में 20, 2019 में 20 एंड अभी बात करें 2020 में 25 रुपये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो 2020 में 25 रुपये इसलिए दोस्तों इन्होंने दिया क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों। एंड अगर प्लीज की बात करते हैं, आप देख सकते हो कि कोई भी प्लीज हमको देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। तो टारगेट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दोस्तों इस कंपनी का जो टारगेट है वो 6000 के पास आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हमारे जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर से आने वाली बहुत शानदार कंपनी हमको देखने को मिल रही है। एंड अगर इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में ये कंपनी ने निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए हमको देखने को मिला। 2017 से ये कंपनी आपको देखने को मिली एंड 3 साल के अंदर इस कंपनी ने निफ्टी 50 का पार्ट बन गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमको देखने को मिली। एंड इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा आगे आपको तेजी आते हुए देखने को मिली एंड जो शेयर प्राइस आपको 3 डिजिट में देखने को मिला वो 4 डिजिट में आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। एंड अगर मैक्वेरी की बात करें तो मैक्वेरी ने जो इनका टारगेट रखा है वो 849 इस उन्होंने इनका जो टारगेट रखा है यहाँ 849 आपको देखने को मिला। लेकिन दोस्तों मेरी बात अगर मेरे हिसाब से बात करें तो ये कंपनी हमको इस साल के अंदर 1000 तक का आंकड़ा जरूर टच करेगी दोस्तों। सो ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी हमको देखने को मिलती है दोस्तों। एंड अगर आप इस कंपनी का डिलीवरी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी डिलीवरी हमेशा उठाते हुए देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि 44% की डिलीवरी हमको उठाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सो इसका जो टारगेट है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी बता देता हूँ दोस्तों कि 849 मैक्वेरी ने इसका टारगेट रखा हुआ है दोस्तों। एंड जो हमारी लास्ट कंपनी वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की बात करो तो अभी इसका शेयर प्राइस आपको 224.50 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैक्वेरी की माने तो इस कंपनी में आपको 121% की तेजी, 121% से ज्यादा की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर टारगेट की अमाउंट की बात करें तो शेयर प्राइस तो 510 रुपये पर आपको ये कंपनी 1 साल के अंदर जाते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर ये होता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पैसा डबल होते हुए भी 1 साल में देखने को मिल सकता है। एंड अगर इस कंपनी के 52 एक हाई देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 242.10 रुपये में आपको देखने को मिला, जो कि जनवरी में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो सॉरी दोस्तों जनवरी ने जून यहाँ पे लिखा हुआ 23 जून को आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये डाउन आपको देखने को मिल रहा है। एंड 52 एक हाई की बात करें तो लो की बात करें तो 150 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। एंड डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में डिलीवरी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रही है दोस्तों। तो 42% से अधिक की डिलीवरी हमको देखने को मिल रही है। एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो करीब अपना हिस्सा यहाँ पे देखिए बढ़ाते हुए देखने को भी मिल रही है। तो 51.57% की हिस्सेदारी अभी इन्होंने कर ली है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा हिंट हमको देते हुए देखने को मिले। पब्लिक की बात करें तो 48.43% की होल्डिंग पब्लिक इस कंपनी में रख रही है दोस्तों। सो यहाँ पे हिस्सा बढ़ाया दोस्तों, तो हमको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपना हिस्सा अपनी कंपनी में उस वक्त बढ़ाता जब कंपनी में आगे कुछ बड़ा होने वाला रहता, तो इस कंपनी में भी आपको कुछ बड़ा होते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। एंड डिविडेंड की बात करो तो ये कंपनी डिविडेंड देते हुए भी हमको देखने को मिले। 2018 में 14.5, 2018 में जून की बात करें तो 2.5 रुपये, 2019 में 6.5 रुपये, 2019 जून की बात करें तो 9.40 रुपये, एंड 2020 की बात करें 9.75 रुपये का डिविडेंड इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया दोस्तों। एंड प्लीज की बात करें तो कोई भी प्लीज हमको देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। सो हमने जितने भी कंपनियों के बारे में बताया दोस्तों, वो सभी कंपनियां आपको अच्छी ही देखने को मिलती है। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो इनकी बात कुछ अलग है दोस्तों। एंड उसके अलावा देखा जाए तो BPCL जो है दोस्तों वो भी आपको थोड़ी सी पैनिक कर सकती है। एंड उसके अलावा बात करें तो बाकी की 6 कंपनियां आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी दोस्तों, एंड रिटर्न्स भी बढ़िया आपको देंगी। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को आप देख कर चल सकते हैं, एंड अगर बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।